जी राम राम। नमस्कार, राम राम भैया। पहले तो सफल आयोजन के लिए वेदांत भक्ति चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सुबह से आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए हैं, और आप देख पा रहे हैं कि आज सुबह से जो कार्यक्रम हमारा स्टार्ट हुआ, जिसमें रक्तदान शिविर का बेहद आयोजन हमने कर पाए हैं सिविल हॉस्पिटल की टीम के माध्यम से। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि अखंड सुंदरकांड जो हमने अभी आयोजित कराया है संगीतमय, उसका भी कार्यक्रम हमारा चल ही रहा है। और प्रकृति को बचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव श्री का जो संकल्प है, उनके प्राकट उत्सव पे हम आज बृहद वृक्षारोपण कार्य भी यहाँ पर कर पा रहे हैं कैंपस पर। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम का उद्देश्य, चूँकि आप देख रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव श्री जो परम श्रद्धेय श्री रविशंकर जी महाराज हैं, वह हमेशा कुछ नया नित नया करने का प्रयास उनका रहता है, नए नित नए विचार होते हैं और समाज को एक दिशा देने का कार्य उनका रहता है, जिसमें शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक कार्य हो, ये सभी कार्यों को हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री एक अलग क्रम में संजोने का कार्य करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस कार्यक्रम के अलावा हमारे यहाँ पर हमने मुख्य मंच से आज लगभग 20 से 25 समाजसेवी संगठनों का इस मंच के माध्यम से सम्मान दिया है, जिसमें विभिन्न एनजीओ थे, महिला शक्ति थी, और एनजीओ के अलावा न्यूज़ चैनल से भी हमारे मध्य में लोग उपस्थित हुए। और आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य में डॉक्टर नीति शास्त्री मैडम उपस्थित रही हैं। विशेष अतिथि के रूप में श्रीमान परन शर्मा जी, जो कि प्रतिनिधि हैं श्रीमान रवि शर्मा जी के और पुत्र भी हैं। साथ ही अतिथि के रूप में हमारे मध्य में श्रीमान दिलीप शर्मा जी भी उपस्थित रहे हैं, जो कि एक समाजसेवी हैं और सुधा नर्सिंग होम संचालक भी हैं।